दोस्तों, वीडियो की टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे मुझसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार आप वीडियो को कंप्लीट देखना है, एक भी स्टेप आपको छोड़ी नहीं है, वरना दोस्तों आपकी जो रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म ये रिजेक्ट कर दी जाएगी। फिर आप बोलोगे कि हमने अप्लाई करा और अभी तक रिसोर्स कंपनी से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है तभी जाकर के आपको अच्छी नॉलेज मिल पाएगी। हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं द सोर्स म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में, जहां से दोस्तों आप एज ए आर्टिस्ट एंड एज ए लेबल दोस्तों आप अपनी सॉन्ग को रिलीज कर सकते हैं। दोस्तों, ये फ्री में सिंपली प्रोवाइड तो नहीं करवाती है, आपके कुछ जो शेयर्स हैं जो आपकी इनकम रहेगी दोस्तों 15% के समथिंग ये काट लेती है, लेकिन इसकी सर्विस की बात करें तो काफ़ी बढ़िया सर्विस दे देती है। एज ए बिगनर है, एज ए आर्टिस्ट है, तो आपको सिंपली द सोर्स म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन पर अपनी सॉन्ग को रिलीज करनी चाहिए। और दोस्तों, इसकी सर्विसेज की बात करें तो ये बढ़िया सर्विस दे देती है, बस आपको छोटी सी अमाउंट पे करनी रहती है। तो दोस्तों देखो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप बड़े लेवल पे अपनी म्यूजिक को रिलीज करते हैं, तो वहां पे आपसे पैसे जो रहती है दोस्तों पहले ही ले लिया जाता है, और आपकी सॉन्ग चले या ना चले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको उस लेवल की नाम चिपकाने के लिए आपको बड़े अमाउंट में पैसा पे करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, सोर्स यहां से आपको सिंपली ऐसा होता है कि भैया आप पहले अपनी सॉन्ग को डालें, अगर अर्निंग रहेगी तो 15% के समथिंग वो रखेगी, बाकी बात अर्निंग तो आपको मिल ही जाएगी। तो देखो, एज ए आर्टिस्ट हैं तो आपको सिंपली इस पे अपनी सॉन्ग को जरूर डालनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाले हैं दिस सोर्स म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। उससे पहले दोस्तों, आप सबसे मैं छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ जानी है अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पे गूगल पे आपको सर्च कर देनी है दिस सोर्स म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन। और जैसा कि देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ और सबसे ऊपर आपके इसके लिंक मिल जाएंगे सोर्स की होम पेज, और ऊपर लिंक मिल जाएंगे, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इसका जो अगला इंटरफेस रहेगा इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सेल योर म्यूजिक ऑनलाइन, और यहाँ जितने भी चीज़ हैं सिंपली यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो म्यूजिक है किन किन प्लेटफॉर्म पे आपको भेजी जाएगी, और यूट्यूब कॉन्टेंट आईडी को लेकर यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपकी बस छोटी सी जो रहेगी परसेंटेज, जो रॉयल्टी रहेगी छोटी सी आपसे चार्ज करी जाएगी, जो कि 14-15% के समथिंग है। और आपकी जो म्यूजिक है दोस्तों सिंपली देख सकते हैं कितने प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, और नीचे यहाँ पे डिटेल से आप देख सकते हैं इसकी ऑफिस वगैरह जो भी है आप देख लेना अपने अनुसार, और दोस्तों अच्छी खासी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ अकाउंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो देख सकते हैं साइन अप पर आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शंस निकल कर आ जाते हैं। पहली जो ऑप्शंस निकल कर आई है ये आर्टिस्ट के लिए निकल कर आई है, और दूसरी जो निकल कर आई है लेवल्स के लिए निकल कर आई। तो दोस्तों, एज ए आर्टिस्ट मैं बात करने वाला हूँ, लेवल की बात मैं नहीं करने वाला हूँ, तो सिंपली आर्टिस्ट वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आर्टिस्ट साइनअप फॉर्म बहुत बड़ी निकल कर आती है, और सिंपली दोस्तों ये फॉर्म नहीं, ये एग्रीमेंट पेपर है, मैं आपको बता दूं, और यहाँ पे आपको अच्छी सी पढ़ लेनी है, और यहाँ सिंपली ऊपर आपको पर्सनल डिटेल कुल जान डालनी है, जो कि आपका नाम रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, और दोस्तों फ़ोन नंबर रहेगा, और इंक्लूडिंग आपकी जो कंट्री कोड है वो आपको मस्ट डालनी है। फिर दोस्तों यहाँ आपकी जो भी एड्रेस रहेगी वो आपको फुल एड्रेस डाल देनी है, और यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिस्ट की कंपनी नेम, ये आप ऑप्शनल है छोड़ सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया आपकी जो रहेगी म्यूजिक ये सिंपली आर्टिस्ट नेम, तो ये किन किन नामों से रहेगी, और आपके अगर अधिक आर्टिस्ट हैं तो कोमा डाल के आपको अलग अलग आर्टिस्ट की नाम दे देनी है, और लेवल भी नाम दे देनी है, और सिंपली कोमा लगा करके आप जितने लेवल में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ जो म्यूजिक रहेगी आप अपना यूट्यूब चैनल पर डालते हैं या फिर कोई भी हो तो आप उसकी लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, सोशल मीडिया की लिंक आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं, और ये सिंपली डाल लेनी है। और वेबसाइट की बात करें तो आप अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों जेनरे की बात करें तो यहाँ सिंपली तीन जेनरे आपको यहाँ पे डालने हैं, तो सिंपली आप तीन जेनरे डाल दीजिए। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि सॉन्ग की जेनरे कौन कौन सी कैटेगरी में आती है, और यहाँ जो रहने आई है ये सब सिंपली नो नो पे ही टिक रहने देनी है। और दोस्तों अगर आपने किसी दूसरे डिस्ट
डिस्ट्रीब्यूशन से सर्विस ले रखी है तो एस कर दीजिए, अगर आपने नहीं ली है तो नो पे रहने दीजिए। और उनकी जो है कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कब ख़त्म होनी है ये डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप दोस्तों ये इन्होंने पूछा कि आप क्यों स्विच कर रहे हैं हमारे द सोर्स म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो भैया ये आपको छोटी सी कमेंट में लिख देनी है एक दो लाइन पर। और यहाँ पर आप उससे पूछा गया कि भैया आप जो हैं अपनी फ़ोटो मटेरियल किट को आप कहीं पर रिलीज कर सकते हैं, तो सिंपली आप कर सकते हैं, तो भैया एस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके जितने भी ऑप्शंस हैं सिंपली एस एस रहने देनी है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ जो भी आपकी ऑडियो रहेगी ये हाई रेजोल्यूशन में रहेगी, और यहाँ क्लिक हेयर पे आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इसकी ऑडियो की फाइल जो रहेगी आपको कौन सी रहेगी। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं फॉर्मेट जो रहेगी यहाँ पे WAV वेव फॉर्मेट में रहेगी, और आपको बिट रेट रखनी है जो ये 24 बिट की होनी चाहिए, और नीचे आप देख सकते हैं सैंपल रेट वगैरह जो भी है। और दोस्तों सिंपली 44.1 GHz, और यहाँ पे जो 16 बिट में आपको बिल्कुल नहीं रखनी, 24 बिट में रखनी है। और यहाँ पे अगर आप अपनी सॉन्ग को कहीं पे नहीं देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ नॉट वर्ल्ड वाइड विच कंट्री, तो आप किस कंट्री में अपनी सॉन्ग को नहीं भेजना चाहते हैं सिंपली आप उस कंट्री का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। और दोस्तों किन किन प्लेटफॉर्म पे आप अपनी सॉन्ग को नहीं डालना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी रहनी डाल जिससे आप में नहीं डालनी वो आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ भैया आपकी कोई यहाँ पे क्वेश्चंस हो तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर पे अपना फुल नेम डाल देनी है, उसके बाद यहाँ पे टिक मार करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे ही सबमिट हो जाएगी तो यहाँ पे मिल जाएगा फ्रॉम सबमिटेड थैंक यू, तो इस तरीके का मैसेज शो हो जाएगा। और दोस्तों आपकी ईमेल पे जो वेरिफिकेशन की रहेगी वो आएगी, उसके बाद आप जा करके इस पर अपनी म्यूजिक को रिलीज कर सकते हैं, अच्छी है आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। और दोस्तों अभी तक आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप मुझे सीधे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, जय हिंद।